हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ टेस्टी पास्ता की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ले लिए हैं मैंने 3 पैकेट पास्ता के, जो कि आप कोई भी अवेलेबल कर सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने 1 लीटर पानी, इसे हमें बॉईल करना है और हमें इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और इसे हिलाना है। अब इसमें हम अपना पास्ता डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 6 से 7 मिनट में पास्ता तैयार हो जाएगा। आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ऐसा उतारना है जिससे कि ऐसे टूट जाए आराम से। देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल ऐसा ही रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस पास्ता को छन्नी में छान लिया है। इसका पानी बिल्कुल सा अलग से कर लिया है हमने और इसके ऊपर से ठंडा पानी हमने डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा हम चमचा डाला लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा खिलवा बनकर तैयार हुआ। चलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ये ले लिया है मैंने कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 3 स्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ बारीक, 1 चम्मच थोड़ी देर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अदरक 1 टीस्पून, उसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको थोड़ी देर भूनना है जब तक ये लाल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे लंबी लंबी गाजर कटी हुई और हम इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, मैं तो इसलिए डाल रही हूँ। आपका दिल करे तो आप डाल सकते हैं वरना नहीं। तो अब हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं हम हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। हम इसे थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको भी भून लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चिली कटी हुई। अब हम इसको भी भून लेंगे ऐसे ही। अब इसमें हम डाल लेंगे 2 टमाटो कटे हुए बारीक। आप चाहें तो इसे इसकी प्योरी भी बना कर डाल सकते हैं। अब हम इसे भून लेंगे थोड़ी देर, तब तक ये टमाटर इसमें पानी छोड़े और ये भूनना शुरू हो। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर रख देंगे लो फ्लेम पे। अब लो फ्लेम पे ही हम इसको भून रहे हैं। अब इसमें हम कॉर्न डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर 2-3 चुटकी। अब हम इसमें ये है ऑरिगेनो 1 टीस्पून, इससे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट में गाइस, टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं इसको ज़रूर डालती हूँ। आपके पास हो तो आप भी ज़रूर डालिएगा ऑरिगेनो।
और फ्रेंड्स ये हमने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि शुगर ही से बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इससे बैलेंस रहता है। ये मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें सॉल्ट और डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप 1 टीस्पून, इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इससे थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। अब हम इसे भून लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। अब फ्रेंड्स हम इसमें डाल रहे हैं 2 स्पून फ्रेश क्रीम। अब हम इसको भी भून लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं। अब हम इसमें डालेंगे अपना पास्ता जो कि हमने अभी तैयार किया था आपके सामने। तो अब हम इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता कैसा अच्छा कलर पे आ रहा है। हमें 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे बटर 1 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, मैं तो इसलिए डालती हूँ। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं।